बजट की घंटी बजने को है, ऐसे में चीज़ों के दाम में उतार चढ़ाव के हवाले से हर किसी को 9 जून का शिद्दत से इंतज़ार है। सिंफ़ नाज़ों को बजट में कॉस्मेटिक्स की कीमतें बढ़ने की फिक्रमंदी सताने लगी। फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। बड़े बड़े अदादोशुमार पेश करने का दिन 9 जून जब हर चीज़ के नए रेट्स मुख्तिस होंगे, तो ऐसे में मेकअप की दिलदादा खवातीन पर अभी से कॉस्मेटिक्स की कीमतें बढ़ने का खौफ तारी है। खवातीन का कहना है कि पहले ही टैक्सेस इतने ज्यादा है, अब सामान पर 25% टैक्स लागू होने की तजवीज़ है। ऐसा हो गया तो इनके मेकअप का क्या बनेगा? आए दिन न्यू प्राइजेज आ जाती हैं और चीज़ें बहुत कीमतें बढ़ रही हैं, और इस बार तो हम हुकूमत से अपील ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार टैक्स ना ज़्यादा लगाया जाए मेकअप पे। हार सिंगार हर ख़वातीन की यानी वो ज़रूरत बन गई है, और हर ख़वातीन यानी मेकअप की चीज़ें परचेज करनी होती है, तो इसलिए हुकूमत से अपील है कि मेकअप की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम इजीली मेकअप खरीद सकें। सबसे ज्यादा परेशानी यूनिवर्सिटी तालबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को है। कहती हैं इनकी आमदन तो बढ़ नहीं रही, हुकूमत सब कुछ भूलकर सबसे पहले इनके मेकअप का सामान महंगा कर देती है। लड़कियों के लिए हार श्रृंगार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। जैसा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए मेकअप खरीदना इतना मुश्किल हो गया कि उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हार सिंगार खवातीन का गहना है, तो इनका कहना है कि मेकअप की कीमतों को कंट्रोल करके इसे काबिले दस्तरस बनाया जाए। खवातीन के लिए तो हार सिंगार भी महाल हो गया। इनका कहना है कि हालिया बजट में खूबसूरती के लवाजमात को टैक्सी से पाक रखा जाए। कैमरामैन हमजा इलियास के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।